निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही मुरादाबाद प्रशासन शांति व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की तैयारियों में जुट गया है। इसी क्रम में सोमवार को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह एवं SSP हेमराज मीणा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पर निरीक्षण पर निकले और मंगलवार 11 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने की तैयारियों के संबंध में अनिवार्य एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट मुशायरा ग्राउंड में सोमवार से बैरिकेडिंग लगाने का काम भी शुरू हो गया। बता दें कि नगर निगम मुरादाबाद के 6,73,843 मतदाता 139 मतदान केंद्रों पर बने 578 बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिले के सभी 11 निकायों में 227 मतदान केंद्र और 885 बूथ बनाए गए हैं। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक मेयर प्रत्याशियों के नामांकन के लिए ADM प्रशासन अदालत में नामांकन किया जा सकेगा। नामांकन पत्रों की जांच 18 अप्रैल को होगी एवं 20 अप्रैल तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव चिन्ह का आवंटन 21 अप्रैल को होगा एवं मुरादाबाद में मतदान 4 मई को निर्धारित किया गया है। मतगणना में नतीजे पूरे प्रदेश में 13 मई को एक साथ आएंगे। नामांकन के लिए निर्वाचन अधिकारियों और कर्मचारियों को मुरादाबाद में पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। INN न्यूज चैनल के लिए शारिफ खान की रिपोर्ट। क्योंकि जैसा हम सभी लोग अवगत हैं कि 9 अप्रैल को ऑलरेडी माननीय आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की जा चुकी है और चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी होगी। और जैसा कि माननीय राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया था, आज मेरे स्तर से भी जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से अधिसूचना जारी होने की, जिसमें डिटेल चुनाव कार्यक्रम दिए गए हैं। क्योंकि मुरादाबाद का निर्वाचन प्रथम चरण में होना है, तो उसका आज कार्यक्रम मेरे स्तर से जारी किया जा चुका है। और इस कार्यक्रम के हिसाब से कल सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने अपने क्षेत्राधिकार में नोटिफिकेशन जारी करेंगे और कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन का समय 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा और नाम जो 17 अप्रैल नाम निरीक्षण पत्र की अंतिम तिथि होगी। और जहां तक नामांकन करने की बात है, जो महापौर पद के नामांकन होंगे BDME साहब के न्यायालय में होंगे, जो पार्षद पद के नामांकन होंगे जो यहां का मुशायरा ग्राउंड है कलेक्ट्रेट परिसर में वहाँ पर होंगे, बाकी सभी तहसीलों में जो अन्य नागर निकाय हैं उनके नामांकन वहाँ पर होंगे। अगर हम बात करें जिले की, तो जिले में 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका बिलारी और ठाकुरद्वारा, उसके अलावा 8 नगर पंचायतें, 11 नगर निकाय हैं जिसमें 1,00,000 से अधिक वोटर हैं। और आदर्श आचार संहिता कल सायं से ही प्रभावी हो गई है। आज शहर में जितने भी होर्डिंग पोस्टर बैनर अनधिकृत रूप से लगे हैं, जो अनुमति लेके लगे हैं उनको नहीं, जो अनधिकृत रूप से लगे हैं उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है। और आदर्श आचार संहिता का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और कल से नामांकन होना है, उसके लिए हम लोगों ने विजिट कर लिया है सभी जगहों पर। तहसीलों में STMs ने विजिट कर लिया है और हमारी सभी व्यवस्थाएँ चाक चौबंद हैं। और मतदान का दिनांक यहाँ पर 4 मई है और 13 मई को मतगणना होगी। जहाँ तक नगर निगम की बात है, नगर निगम में EVM मशीन के माध्यम से और अन्य नागर निकायों में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान का कार्य संपन्न। सर, लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे इस संबंध में, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में ताकि उनको कोई आगे कठिनाई होगा सामना ना करना। देखिए, लोगों से अपील यही है कि लोकतंत्र का एक महापर्व होता है निर्वाचन, और त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसमें एक नागर निकाय का चुनाव एक महत्वपूर्ण होता है और इससे डिपेंड करता है कि हमारे नगर का आगामी समय में विकास कैसा होगा। तो मेरी लोगों से अपील है कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने में प्रशासन का सहयोग करें, उसके अलावा अपने मताधिकार के अधिकार का लोग प्रयोग करें और एक अच्छे प्रतिनिधि को अपनी तरफ से। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।